हेलो एवरीवन। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट था ना कि सर मेरे मैथ्स में मार्क्स इम्प्रूव नहीं होने और साथ में मैथ्स में स्पीड भी नहीं बन पा रहा है। मेरा सिलेबस तो लगभग कंप्लीट है बट फिर भी मैथ्स में 16-17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन सही होते हैं और 4-5-6 क्वेश्चन फंस जाते हैं, हमेशा नहीं बन पाता है। और साथ में टाइम पे मैं बना भी नहीं पाता हूँ मैथ्स के क्वेश्चन को, टाइम ज़्यादा लग जाता है 25 क्वेश्चन में। तो कैसे मैं मैथ्स के मार्क्स को इम्प्रूव करूँ और कैसे स्पीड को इम्प्रूव करूँ, तो वही इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको 3 सिंपल तरीके बताऊंगा। अगर आप इसे 1 से 1.5 महीना फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपका मार्क्स अभी 16-17 आ रहा होगा ना, तो 22-23 मार्क्स डेफिनेटली आपका आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आप मेरा नाम ना गोल्डन से सिल्वर कर देना, ठीक है, बट डेफिनेटली आएगा क्योंकि, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला तरीका है ना कि आपको ना हर दिन डेली 30 दिन तक आपको टारगेट रखना 30 सेट सॉल्व करने का मैथ्स के सेट को। 25 सेट का जो क्वेश्चन आता है, 25 सेट का एक एक सेट का मैथ्स का क्वेश्चन आता है, हर दिन एक एक सेट आपको सॉल्व करना है मैथ्स के। और कौन सा सेट करना है आपको, TCS पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, 2018 के बाद आ रहे हैं, ठीक है, 2018 के बाद जो TCS पैटर्न पे जितने भी सेट प्री के क्वेश्चंस हैं 25 सेट का, आपको वो सॉल्व करना है। अब कहाँ से सॉल्व करना है, तो उसके लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा कि आप जो किरण पब्लिकेशन का बुक है इस पे, इसमें ना आपको मिल जाएंगे सारे TCS पैटर्न के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, 2018 से लेकर 2021 तक के जितने भी TCS पैटर्न पे जो प्री के क्वेश्चंस हैं, मेंस के क्वेश्चन है, सारा मिल जाएगा अलग अलग सेट। तो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो इस बुक से आप सॉल्व कर सकते हो। आपको कैसे सॉल्व करना है मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि एक सेट उठाना है इस बुक से, आपको एक सेट प्री के क्वेश्चन का एक सेट उठाना 25 क्वेश्चन का, उसको सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करना, सॉल्व करोगे टाइमर लगा देना 25 मिनट का, जितना भी आपको सफिशिएंट लगे कि इतना टाइम हमको में मुझे सॉल्व करना है 25 मिनट का लगा दिया और उसको सॉल्व करना है। पूरा क्वेश्चन जितने देर में भी सॉल्व हो, 25 मिनट से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, 30 मिनट भी, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद उसका एनालिसिस करना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा सही हुआ और कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा नहीं बना या फिर ज़्यादा टाइम लगा। तो जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बना और जिसमें ज़्यादा टाइम लगा उसको आपको हाईलाइट कर लेना है बुक में ही और स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है, हाईलाइट कर लेना है या फिर स्टार मार्क कर लेना है। और उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको उनको अच्छे से सॉल्व करना, उसको सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन अपने तरीके से देखना, अपना जो तुमने तरीका, हो सकता है कि बुक में डिफरेंट तरीका हो, लंबा मेथड हो, या फिर इसमें कि इसमें भी शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको जो टीचर पढ़ा है ना उसी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। अपने नोट्स कॉपी को देख सकते हो कि कैसे सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना और उसको 2-3 बार सॉल्व करना। तो ये एक सेट कर लिया, उसके बाद अगले दिन दूसरा सेट सॉल्व करना है, लेकिन दूसरा सेट सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है कि पीछे वाले सेट को आपको देखना है कि पीछे मैंने पिछले दिन कौन कौन सा क्वेश्चन था जो मेरे से नहीं बना था और या फिर डिफ़िकल्ट लगा था मुझे, वो वाला सॉल्व करना है क्वेश्चन आपको। जो जो हाईलाइटेड क्वेश्चन तुमने किया है उसको देख लेना एक बार और उसको सॉल्यूशन भी याद करने की कोशिश करना कि मैंने कैसे इसको सॉल्व किया था, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे सेट सॉल्व करना, सेकंड सेट। और इसी तरह से आपको 5 दिन करना है, पहला दिन, दूसरा दिन, 5 दिन हो गया तो 5 दिन में 5 सेट कर लिया। उसके बाद 6ठे दिन आपको ना कोई सेट सॉल्व नहीं करना है, अभी तक 5 सेट जो आपने किया है ना 6ठे दिन उसी को रिवीजन करना है कि कौन कौन सा मेरा क्वेश्चन नहीं बना था, हाईलाइटेड क्वेश्चन, कौन कौन सा क्वेश्चन छूट गया था, उन्हीं को सॉल्व करना 6ठा दिन। इसी तरह से आपको पूरे 1 महीने तक कंटिन्यू करना है, हर 5 सेट के बाद आपको पीछे वाले सब रिवीजन करना है। आपको 1 महीने में टारगेट करना है कि 30 सेट करना है, लेकिन 30 सेट ऐसे करना है कि उसके सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से एकदम याद हो, आपको पता होगा कि इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, आपको सोचना ना पड़े, इतना बार आपको रिवीजन कर लेना है, ठीक है। लगभग 750 क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन 750 क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट आउट क्वेश्चन कर दिया कि ये क्वेश्चन, तो आपका उसको सॉल्यूशन तुरंत याद होना चाहिए। ऐसे आपको 25-30 सेट करना है 1 महीने में, ठीक है, टारगेट रखना है। तो पहला तरीका ये है। उसके बाद दूसरा स्टेप आपको क्या लेना है कि आपको ना साथ साथ में अपने नोट्स कॉपी को रिविजन करते रहना है और साथ में आपको वीक चैप्टर्स में भी काम करते रहना है। जब आप 25 सेट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, सेट लगाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर है जिससे मेरा हमेशा क्वेश्चन छूट रहा है, तो उन चैप्टर पे काम करना शुरू करो 1 बाय 1। मान लो तुम्हारा अलजेबरा और ट्रिग्नोमेट्री वीक है, लग रहा है कि वीक है, इसके क्वेश्चन हमेशा छूट रहे हैं, तो क्या करो कि अलजेबरा टारगेट रखो कि 15 दिन में मुझे इसे स्ट्रॉन्ग करना है। अपने नोट्स कॉपी को देखो, नोट्स कॉपी को 2-3 बार करो, उसको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, अलजेब्रा के जितने भी हैं 200-300 क्वेश्चन सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो एक ही क्वेश्चन को। और उसके बाद यूट्यूब से भी सर्च करो उसके ट्रिक्स टिप्स,
कि कैसे वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकाला जा सकता है अलजेब्रा के क्वेश्चन को, कैसे आंसर से फाइंड आउट किया जा सकता है, तो उसको आपको ट्रिप से उस पर रिसर्च करना पड़ेगा, मेनली उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप उससे भागोगे तो आपका कभी भी वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा और उसके हर बार उसका मॉक टेस्ट में क्वेश्चन आपका छूटेगा। तो आपको वन बाय वन स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हो गया, 15 दिन 10 दिन का टारगेट रखना उसको स्ट्रॉन्ग करके। फिर दूसरा चैप्टर मान लो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे स्ट्रॉन्ग करना, मान लो SI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट को 5 दिन 6 दिन टाइम देना, उसको स्ट्रॉन्ग करना, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ऐसे कर करके दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि अपने नोट्स कॉपी को रिविजन करते रहना, साथ साथ में वीक चैप्टर्स पर काम करते रहना। और जो तीसरा और वो भी इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको फुल मॉक टेस्ट भी लगाते रहना। अगर आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है तो डेली आपको एक फुल मॉक टेस्ट भी लगाते रहना, ठीक है। फुल मॉक टेस्ट से आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, सारे सब्जेक्ट का डेवलपमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो वो लगाते रहना। और मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हो, तो मॉक टेस्ट आप टेस्ट बुक से लगा सकते हो। मैं वही रिकमेंड करता हूँ, बुक्स हो या फिर टेस्ट बुक हो, जो मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने टेस्ट बुक से ही सारे मॉक टेस्ट लगाए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। और अगर आपको टेस्ट बुक से परचेज करना है मॉक टेस्ट, तो आप टॉपर का कोड यूज़ भी कर सकते हो, टॉपर कोड TOPPER, उससे आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, टॉपर कोड यूज़ करोगे तो। और उसको अच्छे से फॉलो करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, और मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ उसका एनालिसिस भी करना है। ये नहीं कि मॉक टेस्ट लगा के जो भी देखा रिजल्ट देखा और अगला मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, नहीं, उसको अच्छे से रिसर्च करना है, उस पर एनालिसिस करना है कि कहाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्यों ज़्यादा टाइम लगा। एक घंटे अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने में लग रहा है, तो 1 घंटे आपको उसको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में, उसको इम्प्रूव करने के लिए भी लगाना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें करो। सबसे पहले तो आपको 25-30 सेट लगाना है 1 महीने TCS पैटर्न के क्वेश्चन। मैंने बुक बता दी, आप किरण पब्लिकेशन से लगा सकते हो या फिर कोई भी बुक जो आपको लगे TCS पैटर्न के लिए सही है, आप वहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना है कि आपको अपने वीक चैप्टर पे काम करते रहना है 1 बाय 1, तभी जाकर के इम्प्रूवमेंट होगा। अगर उससे भागोगे तो कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तीसरा है कि फुल मॉक टेस्ट आपको लगाते रहना है। फुल मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो सभी चैप्टर का, सभी चीज़ों का ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होता रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें करो, 1 महीना लगातार करो कंसिस्टेंट होकर के। और अगर आपका मार्क्स फिर भी नहीं इम्प्रूव करता, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं फिर इसके लिए जवाब दे हूँगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं आगे वीडियो बनाता रहूं। और साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो तो मैं वहाँ पर फ्री में सबको गाइडेंस करता रहता हूँ, वहाँ पर इंपॉर्टेंट PDFs डालता रहता हूँ, और साथ में लाइव भी आता रहता हूँ और लाइव आपसे इंटरेक्शन भी करता हूँ। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं आपको कॉल पर बात करके आपको सॉल्यूशन भी देता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल, उसका नाम जो है 1000 Achievers है, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय एवरीवन।